हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी हमें गांव में देख सकते हैं, गांव का माहौल तो आप देख ही सकते हैं, कितना खूबसूरत सा देखिए, चारों हरियाली है। और अभी कुछ दिनों से कंटिन्यू ना बारिश होता जा रहा है यहाँ पे, यानी कि सुबह शाम हर समय बारिश, मतलब आप घर से निकल नहीं सकते हैं। देख सकते हैं व्यू, और इस साइड देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू है, सामने देख सकते हैं पहाड़ है, देख सकते हैं मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, उसके बीच में ये गांव बसा हुआ है। और रास्ते देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, क्या खूबसूरत है। मतलब सुबह के टाइम में अगर मॉर्निंग वॉक करना हो तो एक बार इस रास्ते से गुजर जाइए, कितना गजब मस्त लगता है। असली आनंद जो होता है गाँव का यहाँ पर मिल रहा है। और शहरों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़, हर समय पॉल्यूशन वगैरह रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश एयर, सुबह सुबह के टाइम में आप फ्रेश एयर ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, शहर से अच्छा है गांव में ये सब चीज़। बाकी सुख सुविधाओं की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको मिल सकता है यहाँ पर, जैसे गाँव में यहाँ पर आपको मार्केट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट जाना है तो 5-6 किलोमीटर दूर जाइएगा तो मेन मार्केट मिलेगा। एक्चुअली ज़रूरत की सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेगी। देखते हैं गाय वहाँ पे आवाज़ कर रही है, जो कि काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रहा है यहाँ पे। बाकी एक गांव इधर भी है, एक गांव इस साइड भी है, और एक गांव इस साइड भी है, यानी कि 3 रोड वाला मोड़ है, इधर से 3 गाँव जाते हैं। रास्ते का व्यू क्या ही बताया आपको, देख सकते हैं मौसम क्या ही कर दिया है यहाँ पे। लेकिन यह है स्कूल की सुविधा है यहाँ पे, 12th क्लास तक स्कूल आपको मिल जाएगा यहीं पे, एकदम गांव में मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी का टाइम कुछ 8 बज रहा है, अभी 8 बज रहा है, लेकिन अभी इस टाइम में क्या होता है गांव वगैरह में ना काफ़ी ज़्यादा धूप आ जाती है, लेकिन अभी देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। अभी जस्ट सुबह हुआ है, ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है, तो अभी अच्छा है, धूप नहीं है, धूप में भी परेशानी ज़्यादा होता है, बारिश हो रहा है तो कोई ठीक नहीं, चलिए घर से बाहर निकल पाएंगे। जितना ही अच्छा मौसम आपको अभी दिखने में लग रहा है, धूप के टाइम में उतना ही खराब लगता है। बाकी साइड देख सकते हैं ये स्कूल है, ये 12th क्लास तक है। ये देख सकते हैं स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, यहाँ पे एक भी बिल्डिंग बनने वाला है, G+2 बिल्डिंग यहाँ पे भी बनने वाला है। और ये देख सकते हैं ये मंदिर है, काली मंडप है, यहाँ पर देख सकते हैं भैंस बना हुआ है, एक यहाँ पे है, एक ये दो भैंस है, पेड़ के नीचे बांध दिया गया है काफी खुले जगह में। और ये रहा घर, दोनों का अलग अलग, क्योंकि एक जगह रहने से दोनों ही मारपीट करेंगे। और रास्ते देख के आपको घर के बाहर के जो रास्ते हैं वो रास्ते देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कैसा रास्ते है, पूरा घास दिखा रहे। चलिए देखिए, घर में जाने का रास्ता इधर से ही है, लेकिन आपको रास्ता कहीं दिख नहीं रहा होगा कि रास्ता है कहाँ। चलिए आपको दिखाते हैं किधर से है रास्ता, ये देखिए रास्ता पूरा घासों से बना हुआ रास्ता। इधर देख सकते हैं काफ़ी सारा झींगा होगा सब, इधर थोड़ा का और काफ़ी सारा सब्जी वगैरह लगा हुआ है इधर। देख सकते हैं स्कूल का नीचे का जो बेस होता है वो ढलाई चल रहा है, मशीन लगा हुआ है यहाँ देख सकते हैं, मिक्सर मशीन, और अभी ढलाई का काम चल रहा है। बाकी आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा किया है, मतलब बहुत दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था, आज थोड़ा सा धूप हुआ है ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर से देख सकते हैं अभी फिर से ऐसे ही घना कर दिया बादल, पता नहीं फिर से बारिश होगा क्या, पता नहीं।